हमारे यहाँ से जानू में ट्रेन लड़ गई है आपने सामने, चलो आपको दिखाते हैं। आज भी गाइस देखो आप देख से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं शाम को, क्योंकि मुझे निकलना है शहर। और देखो मेरे फिश का फिश दाना खत्म हो गया है और इसको चलते हैं लाने के लिए। देखो ये थोड़ा सा बचा हुआ है तो फिश का दाना खत्म हो चुका है और प्यारी सी फिश देखो टैंक वैंक साफ हो गया बिल्कुल मस्त, कितनी अच्छी लग रही है। और अपने दो मेहमान से और मिलाते हैं आप सबको प्यारे से। आ जाओ देखो ये प्यारे से दो हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। और यहाँ से चलते हैं और आपके भाई का देखो ये BMW के लिए उठा है लोबो यूट्यूब का, और इंस्टाग्राम का भी सेम नाम है इंस्टाग्राम का भी, तो जो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस अभी निकलते हैं यहाँ से, और ये देखो मैं कपड़ों पर डाल लिया हूँ, शाम हो गई है और चलते हैं सीधा शहर। और लाना है बहुत सामान क्योंकि मछली का दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया, अगर नहीं लाएंगे तो भाई चलेगा ना, क्योंकि एकदम ख़त्म हो गया। अब हम कहीं भी जा सकते हैं किसी भी टाइम, क्योंकि घर पे कोई है नहीं लाने वाला, तो चलते हैं गाइस फाइनली इसको लाने के लिए। तो चेकआउट करो गाइस कितनी प्यारी लग रही है। चलेंगे सिर्फ बाइक से, कार अंदर ही रहेगी। देखो ये प्यारे से बच्चे गेहूँ लाया हुआ है मम्मी तो चिप्स, देखो ये चलो आ जाओ आओ आ जाओ ये आ रहा है। तो गाइस इसको उतार देते हैं, अभी निकलते हैं यहाँ से, ठीक है चलो अब मिलते हैं सीधा सुल्तानपुर। तो गाइस अभी निकलते हैं यहाँ से। देखो अभी हम किरासिंग के पास पहुँच चुके हैं और ये देखो पहुँचने वाले हैं, और बाइक ऐसे चल रही है, किरासिंग बंद है। और गाइज हमारे यहाँ सुल्तानपुर में ट्रेन लड़ गई है आमने सामने, चलो आपको दिखाते हैं आज वो भी। एक बार चलते रहा ना लड़ा वाला इंजन ना ना हैं, सबसे पहले फ्यूल भरा लेते हैं क्योंकि फ्यूल नहीं है, पीली बत्ती जल रही है बिल्कुल। SP पेट्रोल पंप फाइनली गाइज अभी हम सुल्तानपुर पहुंच चुके हैं, ये देखो और आपको दिखाते हैं जहां ट्रेन का हादसा हुआ है। देखो ये यहां पे ट्रेन लड़ चुकी है, देखो सामने GCB चल रही है। अभी चलते हैं ब्रिज के नीचे तो आप सबको दिखाते हैं, यहां से बहुत दूर है। देखो आपने सामने दोनों बोगी एक दूसरे पे चढ़ गई हैं, ये वाला सामने था भाई, जो ये वाली ट्रेन है सामने ये वाली ट्रेन उससे लड़ी थी, इंजन का पूरा हिस्सा वो टूट चुका है। और गाइज इसमें कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि दोनों गाड़ी माल गाड़ी थी तो इसलिए नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है, बस खाली बोगी पलटी हुई है और इंसान का कोई जान नहीं गया है। चलो आगे दिखाते हैं आप सबको अभी। तो गाइज देखो आप सामने सवारी गाड़ी होती तो क्या हाल होता है, ये सोच रहे हैं इंसान कितना इंसान मारते हैं सवारी गाड़ी होती तो। और उधर दीवार पार करके पूरा चली गई, उधर देखो दीवार पूरा पार हो गई उधर। और ये ब्रिज के ऊपर है हम लोग, बाइक अपनी इधर खड़ी है, कितना ट्रैफिक लग रही है, ट्रैफिक पूरा बहुत ज़्यादा लग रही है इधर, पूरा जाम लगा हुआ है यहाँ वहाँ तक पूरा ब्रिज। अब बाइक हम अपनी साइड करते हैं पहले। तो गाइस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, देखो ये GCB जा रही है नीचे, और ये वाला हिस्सा कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है ट्रेन का, वो वाला टूट के उसके ऊपर चला गया है, ये सामने से जा रहा था
ये भी डबल इंजन था तो इसलिए ये बच गया। वो सिंगल इंजन था इसलिए वो टूट गया, उसके ऊपर चला गया। और वहाँ से पटरी रिवाइज हो रही थी लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर ही आ गया। और ये सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि ये पूरा बाउंड्री उस पार चला गया है। तो गाइस ब्रिज पे कितने जाम लग रही है, पूरा एकदम माहौल बना दिया। अभी चलो निकलते हैं यहाँ से। पब्लिक देखो, बस ऊपर वाले की यही मतलब शुक्रिया है कि इंसान नहीं थे, इंसान मतलब उस बिल्डिंग नहीं थी बगल में। अगर वहाँ होता सामने उधर तो पूरा सामने बिल्डिंग थी, कितने लोग मरते। जो होता है ठीक होता है। और गाइज सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों मालगाड़ी हैं, ये भी और वो जो ब्लू वाला है वो भी, ठीक है। वो ब्लू वाले का बोगी जो है उसमें कोयला लगा था, वो वाला हिच के पीछे चला गया है। इस वाले का जितना बोगी मतलब पलटा हुआ वो तो यहीं पे है, बाकी जो सही था उसको हिच के पीछे लेके चले गए उधर। तो चलो गाइज अभी चलते हैं आगे, को नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये क्रेन उठा रही है डिब्बे को और उधर सामने वो इंजन पड़ा हुआ है, क्योंकि अधिकारी लोग हैं यहाँ जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भाई सरकारी काम है, वहाँ जाना भी ठीक नहीं है। लोहा हुआ सब टूटा हुआ है, लग भी सकता है। तो ये देखो एक मशीन जा रही है इधर, कितना खतरनाक माहौल है यहाँ पे। पब्लिक देखो, पब्लिक तो देखो थोड़ा ऊपर आ गया हूँ अभी मैं। गाइस सब अधिकारी लोग लगे हैं, जितने यहाँ कर्मचारी हैं। वो वाला इंजन कितना डैमेज हुआ है, वो सिंगल इंजन था और ये डबल। ऊपर का पब्लिक देखो, अभी मैं ऊपर था अभी नीचे आ गया हूँ। और चलो आगे चलते हैं। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं सुल्तानपुर कलर्स फिश हाउस, देखो ये। और चलो चलते हैं, ये कौन सी फिश है? पायरेट। गाइस फाइनली अभी हम घर पहुंच चुके हैं और ये फिश का दाना ले लिए थे। देखो यही दाना है फिश वाला, ये देखो ये दाना खिलाते हैं। दो पैकेट लिए थे, एक उसके उस पर रखा हुआ है और एक पैकेट ये है। अब ये कितने का पड़ा था आप सबको बता दें कि 110 रुपए का ये पड़ा था। MRP से ज़्यादा रेट, 90 रुपये MRP है इसकी। तो मैंने दो पीस लिया 220 रुपये का। और गाइस देखो हमारी फिश कितनी प्यारी लग रही है, और इसका एक पैकेट ये रखा हुआ है। इसको मैंने खाली कर दिया डिब्बे में, अब इसको रख देता हूँ वापस। तो गाइस और आप सबको एक चीज़ बताना था कि मैं कौन सी दवा यूज करता हूँ, और ये भी दिखाता हूँ आप सबको। देखो मैं ये दवा यूज करता हूँ, लाइट नहीं सही आ रही है फिर भी दिखाता हूँ आप सबको। ये दवा जब मैं टैंक को खाली करता हूँ, और खाली करके जब इसमें नया पानी इसमें डालता हूँ तब मैं ये दवा यूज़ करता हूँ। बस 10 बूंद मैं डालता हूँ तो पानी का जो कीटाणु जो भी रहता है वो एकदम साफ हो जाता है। अभी देखो कितना क्लीन है, और हमारी गोल्ड फिश कितनी प्यारी लगती है। तो गाइस चलो मिलते हैं आप सबको एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। उम्मीद करते हैं आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा।